166 मुसाफिरों और 5 अमलों को लेकर जेट एयरवेज की परवाज नंबर W9697 मुंबई से जयपुर जा रहा था, मगर जहाज में पायलट ब्लड स्विच ऑन करना भूल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 30 मुसाफिरों के नाक से खून बहने लगा, जबकि कई मुसाफिर बीमार हो गए। इस जहाज को आधे रास्ते से ही वापस मुंबई लाया गया। जैसे ही तैयारा मुंबई में महफूज तरीके से उतरा तो बीमार मुसाफिरों को तिब्बी सहूलत फराहम की गई। इस मामले की रिपोर्ट DGCA को दे दी गई है और तफ्तीश मुकम्मल होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। आज सुबह 5:55 की जेट एयरवेज की 9W0697 फ्लाइट जो के बॉम्बे से जयपुर जा रही थी, ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने के वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे, कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। और करीब एक घंटे के बाद ये फ्लाइट फिर से बॉम्बे में इन्होंने लैंड कर